कॉडल का एक बहुत बढ़िया होल्ड था, लेकिन 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 हैदराबाद हाइड्रास के आने से पहले तक, क्योंकि जब हैदराबाद हाइड्रास की एंट्री हुई वो होल्ड पूरी तरीके से ब्रेक किया गया, लेकिन एनिग्मा आपको ऑलरेडी इस एरिया को होल्ड करते दिख रही थी एंड सोल के साथ फाइट की शुरुआत कर चुकी है। ओमेगा की भी एचपी पावर ड्रेन की गई है, गोब्लिन को ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया गया है। फर्स्ट पॉप इन करने की कोशिश करें बट पीछे से ओमेगा को भी टेक डाउन किया जाएगा। अक्षत विद अ ग्रेनेड यहां पर एगी को कंफर्म करते दिखेंगे, अक्षत आगे बढ़ेंगे, 1v1 की फाइट से जीत लेंगे, लेकिन अब यहां पर दिखते हैं थोड़ी सी पड़ेगी क्योंकि दो प्लेयर्स इनके तरफ मूव कर रहे हैं। ईवो इडली को भी टेक डाउन कर सके, इसके बाद एक लगातार जीतने जा रहे फाइट बट वो जंप शॉट अक्षत को भी टेक डाउन करेगा। अब यहां से मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ने वाली क्योंकि मुझे लग रहा है ये आखिरी बचा प्लेयर कुछ चीजें बदल सकता है। एग्जैक्टली द लास्ट प्लेयर ही जस्ट डिड इट, बहुत बढ़िया क्लच करने की कोशिश, लेकिन ये क्या एक थर्ड पार्टी, दे हैव जस्ट ऑलरेडी एंटर्ड, गॉडल ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अब यहां पे गॉडल के पास पूरा मौका है कैपिटलाइज करने का क्योंकि एक प्लेयर मात्र बचा है और एचपी, जस्ट लुक एट द एचपी की पूरी फाइट विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई खत्म हो चुकी है।